अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियां। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? और बचपन की कहानियों का क्या मतलब होता है जी? Stories from our childhood. Good job, you guys. You remembered. और हमारी sixth story, यानी कि छठी कहानी का टाइटल है, उसका नाम है छोटा नाम बड़ा काम। एक शेर और दूसरा चूहा। चूहा तो हमारी पिछली स्टोरी में भी था, तो आपको पता होगा कि चूहा किसे कहते हैं। जी, चूहा यानी माउस एंड शेर यानी लायन। और हमें इस कहानी में ये देखना है कि एक छोटा सा चूहा क्या बड़े से शेर का दोस्त बन सकता है और उसके काम आ सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। और इससे पहले कि हम अपनी छठी कहानी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पे बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुनें, इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। छोटा नाम बड़ा काम। एक दफा का जिक्र है, एक शेर था। वो जंगल में शिकार की तलाश में जा रहा था। शिकार यानी हंटिंग, टू हंट, ही वॉज लुकिंग फॉर फूड। उसके सामने एक चूहा आकर खड़ा हो गया। शेर बोला, मियां चूहे, मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने पंजों से कुचल डाल सकता हूं। पंजे यानी क्लॉज एंड कुचलना मींस टू क्रश। So the lion asked the mouse, "Get on a side, or else I will crush you with my claws." और ये कहते ही शेर ने जोर से धारना शुरू कर दिया। धारना शुरू कर दिया, यानी he started to roar. सुनकर चूहे ने कांपना शुरू कर दिया। So the lion's roar was so loud that the mouse got scared and out of fear it started to tremble. कांपना यानी to tremble। साथ ही चूहे ने कहा, शेर भाई, आप प्लीज ऐसे मत करना, मुझे मारकर आपको क्या फायदा होगा, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। शेर चूहे की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। और साथ ही कहने लगा, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। चूहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ए जंगल के बादशाह, आज आपने मुझ पर मेहरबानी की है, इसके बदले में मैं भी एक किसी दिन आपके काम आऊंगा। So what did the mouse say? The mouse said that, oh king of jungle,
You have been so kind to me, and you will see that one day I will repay your kindness. इस बात पर शेर एक बार फिर हंस पड़ा। और बोला, तुम जैसे एक छोटा सा चूहा मुझ जैसे ताकतवर शेर की क्या मदद कर सकता है? ताकतवर यानी के पावरफुल। सो द लायन सेड दैट अ स्मॉल क्रीचर लाइक यू, how can you help such a powerful thing like myself? इस पर चूहे ने जवाब दिया, वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगा कि एक छोटी सी जान भी बड़े बड़े ताकतवर शेर के काम आ सकती है। So the mouse said that time will tell that even a small being like myself can help a powerful being like you. और फिर दोनों शेर और चूहा अपनी अपनी राह हो गए। अपनी अपनी राह हो गए यानी they went their ways. अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि एक शिकारी ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकारी यानी हंटर और जाल यानी नेट। सो ओनली आफ्टर अ फ्यू डेज देयर वाज अ हंटर हु लेड डाउन अ नेट टू कैप्चर द लायन। शेर गरूर में भरा गर्दन उठाए चला जा रहा था। सो द लायन वाज वॉकिंग प्राउडली। उसे जाल नजर नहीं आया। He didn't see the net. और वो बेखबरी में उसके अंदर फंस गया। And without बेखबरी, without knowing, or he was oblivious of the fact, उसको पता नहीं था कि वहाँ पे एक जो है वो नेट बिछाया हुआ है। तो वो उसके अंदर फंस गया। So he got captured. अब तो वो बहुत घबराया और जोर जोर से धारने लगा। उसकी चीखों पुकार सुनकर वही चूहा बिल में से निकलकर दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। बिल यानी बरो, वो जो होल नहीं होता जो ग्राउंड के अंदर रैबिट्स, माउस और कई दफ़ा और छोटे एनिमल्स जो बनाते हैं उसको बिल कहते हैं। तो चूहा शेर के जाल के पास पहुंचा और उसको कहने लगा, आप शोर मत मचाएं वरना तो शिकारी आ जाएगा, मैं अभी आपको यहां से छुड़वाए देता हूं। So what did the mouse say? The mouse said to the lion that he should not make noise, otherwise the hunter will know. And he said that I can help you escape. शेर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? जाल इतना मजबूत है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, तुम कैसे तोड़ोगे? So the lion asked the mouse that the net is so strong, even I can't escape it, I can't break it. What can you do? इस पर चूहे ने जवाब दिया, जाल का तोड़ना क्या बड़ी बात है, मैं तो इसे अभी काट कर रख दूंगा। काट कर यानी ही कुड इजिली कट इट। अब आप देखें कि जो नेट है वो किस चीज का बना होता है।
नेट जो है वो डिफरेंट, जो इसको जाल कहते हैं, वो डिफरेंट फैब्रिक से बना होता है, जैसे इट कुड बी कॉटन और जूट, और वो इंटरट्वाइन किया होता है, जैसे एक मैश उसका बन गया होता है. सो वाई डू यू थिंक दैट द माउस इज सेइंग दैट इट कैन ईजिली कट द नेट? थिंक अबाउट इट. जी, क्योंकि माउस के चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं. यहां पर मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ. आपको पता है कि माइस यानी कि चूहे, उनके पास सेट ऑफ इंसाइजर टीथ होते हैं, यानी कि दांत होते हैं, जो कभी ग्रो करना बंद नहीं करते. यानी एवरी सिंगल डे अबाउट 0.3 मिलीमीटर जो है उनके टीथ ग्रो करते हैं. सो दे मस्ट निबल एंड चू ऑन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मटीरियल्स, ताकि उनके जो दांत हैं वो ग्राइंड, उनको करने के लिए वो सही तरह ग्राइंड हों और छोटे रहें. ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है. एंड दैट इज द रीजन द माउस सेड दैट इट्स नो बिग डील फॉर मी टू कट दिस. शेर चुपचाप खड़ा रहा और चूहे ने एक एक करके बहुत सी रस्सियां कुतर डाली और शेर आजाद हो गया. रस्सियां यानी रोप्स, वो रोप्स जिनसे मिलकर नेट बना हुआ था. और शेर आजाद हो गया यानी कि द लायन वॉज फ्री. शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और कहा, भाई चूहे, तुम सही कहते थे और मैं गलत था. वाकई हम दोनों दोस्त हैं और तुमने दोस्ती निभाई है. मैंने कितना गलत सोचा कि एक छोटा सा चूहा कभी मेरे काम आ सकता है. उस दिन के बाद शेर और चूहा पक्के पक्के दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते रहे, मदद करते रहे. तो कैसी लगी आपको ये कहानी, और इस कहानी से आपने क्या लेसन लर्न किया है? मैंने तो ये लेसन लर्न किया था कि वी शुड नॉट जज एनीवन बाय हिज और हर साइज. अगर वो एक छोटी सी चीज थी जैसे चूहा, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स थी, तो हर इंसान की भी चूहे और शेर की तरह अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस होती हैं. शेर बेशक बड़ा और पावरफुल तो था, लेकिन जाल नहीं काट सकता था. और चूहा, जो कि शेर के मुकाबले में इतना छोटा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ये स्ट्रेंथ दी थी कि उसके टीथ इतने शार्प थे, और चूंकि वो रोज़ चीज़ों को कुतरता है, निबल करता है, नॉ करता है, इसलिए वो जाल को काट सकता था और शेर नहीं काट सकता था. सो एवरीवन, ईच वन ऑफ अस हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड वी शुड नॉट जज एनीवन बाय हाउ ही और शी लुक्स और बाय हिज और हर साइज. इसमें एक लेसन और भी है. आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कौन सा लेसन मिस किया है? बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. जी, ये लेसन है काइंडनेस का. काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस, राइट? अगर आप किसी के साथ मेहरबानी करते हैं, काइंड होते हैं, तो किसी ना किसी दिन वो इंसान या कोई और इंसान, आप जब मुश्किल में होते हैं तो आपकी मदद भी करता है. आप बेशक इसको ट्राई करके देख लें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, और आप फिर मुझे बताना कि आपको ये बात सच लगी
कि इफ यू वर नाइस एंड काइंड टू समबडी वर समवन एल्स नाइस एंड काइंड टू यू. जैसे इस कहानी में चूहे ने शेर को ये कहा था कि आज आपने मेरे ऊपर मेहरबानी की है जंगल के बादशाह, आप देखना कि टाइम आएगा जब मैं आपके काम आऊँगा. आपको याद है ना उसे शुरू में ये कहा था, और वैसा ही हुआ. एंड नाउ इज द टाइम फॉर द क्विज. शिकार किसे कहते हैं? शेर जंगल में शिकार की तलाश में जा रहा था. शिकार इज टू हंट, हंटिंग को शिकार कहते हैं. कांपना, चूहे ने कांपना शुरू कर दिया. आई विल काउंट टिल 5. 1, 2, 3, 4, 5. You were right. To tremble or shiver. Dost? Ji. Dost means friend. What does jaal mean? Jaal means net. And the last one is आजाद. शेर आजाद हो गया. फ्री, दैट्स राइट. गुड जॉब यू गाइस. एंड नाउ इज द टाइम फॉर द टीजर फॉर आवर नेक्स्ट स्टोरी, जिसका नाम है बूढ़े का खजाना. बूढ़ा यानी ओल्ड पर्सन, और खजाना मीन्स ट्रेजर. और इस कहानी में एक किसान के यानी एक फार्मर के कुछ बेटे होते हैं, कुछ सन्स होते हैं, जिनको वो ये बताता है कि एक फील्ड में खजाना छुपा हुआ है, ट्रेजर छुपा हुआ है. अब हमें ये मालूम करना है कि क्या उसके बेटे वो खजाना ढूंढ सकते हैं या नहीं. लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 7. और अगर आपने ये कहानी इंजॉय की है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो मेरा पॉडकास्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है, जी बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब करें, अच्छी रेटिंग दें